शुरू में आलू पे कुछ काव्यात्मक बोला जाना चाहिए जिससे थोड़ा सा रुतबा कायम हो आलू का। इसको लेके लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं। हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ आलू का भरपूर उत्पादन होता है। फर्रुखाबाद ये जगह है, ज़िला है, शहर भी फर्रुखाबाद है। ये कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे आपको पल्लेवार दिखेंगे, बहुत सारे किसान हैं जो अपना आलू लेके जा रहे हैं। तो ये जो आपको गीला आलू दिख रहा है ये अभी कोल्ड स्टोरेज से निकला है, इसको सुखाया जाएगा, एक दो दिन में सूख जाएगा ये। फिर उसके बाद जिसको बेचना है वो बेचने के लिए ले जाएगा और जिसको बीज के लिए इस्तेमाल करना है वो बीज के लिए ले जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे आलू किसान दिखेंगे। ये बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज है, आइए जरी जी। और वहाँ पे क्या हो रहा है फिरोज भाई? आलू की सीड्स का सेल हो रहा है। तो आइए जरी जी, कुछ आपके लिए बीज खरीदा जाए ताकि इस बार आप अपने गमले में आलू उगा सकें। तो क्या हिसाब मिल रहा है चाचा? क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह। क्या आप किसान हैं आलू के? क्या हिसाब बीज मिल रहा है? बीज मिल रहा है 450 रुपया लगभग। 450 के लगभग। तो बोली लगती है बीज दिखा के या कैसे होता है? क्या जैसे हम लहसुन मंडी में गए थे वहाँ तो मंडी में बोली लगती थी? बोली नहीं लगती है। हाँ। यहाँ पर भाव किया जाता है अंगोछा डाल के, हर आदमी से अलग अलग व्यापारियों से पूछा जाता है अंगोछा डाल के। हाँ। यहाँ तो वो बोली हो गई ना? हाँ, बोली गुप्त बोली रहती है, एकदम गुप्त बोली। गुप्त बोली कैसे होती है? अभी चल रही की हो गई? यहाँ चल रही थी अभी। अभी तो किसी ने अंगोछा डाले है हाथ जोड़ के, हाथ डाली के तब फिर भाव हो आपको। हाँ, कैसे कैसे लगती बोली? जैसे ये आप बोली लगवा रहे हो? हम तो नहीं जानता। हाँ, कैसे लगती? ऐसे आपसे बताया किस रेट ले रहे हैं आप? हाँ। आप इस रेट ले रहे? हाँ। मान लीजिए 450 मांगा आपसे। हाँ। तो आप, आपको 500 करना है तो कैसे करोगे? तो इनसे दूसरे व्यापारी से पूछेंगे। तो जय दे आए, जय खैगड़ा बोल ले और जय ढाई कर ले और जय रुपया कर ले तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो उन्हें मालूम जो लीवे वाले ने अब जय दे हमें है ये गड़गड़ा जो है इनसे चल। अच्छा, यहाँ गाड़ते हैं? इनसे गड़गड़ा कैसे गाड़ते हैं? ऐसे पकड़ के हाथ बस बताओ, हम बताए लगाते हो बोली? हाँ, तो ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ा था। ये कितना रेट हुआ? ये सैकड़े हो गए, ये सैकड़े हो गए, सैकड़ा हो गया। हाँ, और ये ढाई हो गई, ये ढाई हो गए। ढाई मतलब 200 ना? ये ढाई हो गए, 50 हो गए। हाँ। और रुपया चाहिए तो ये 4 रुपया हो गए। इसी से रुपए बन जाएंगे, इसी से सैकड़े बन जाएंगे, इसी से बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तीन बार दबा दिया मतलब 300? तीन जैसे जैसे ऐसे दबाया आज, ढाई 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 रुपए तो ये 120 हो गए। अच्छा, 450 जैसे बिका तो 450 कैसे बोलेंगे? 450 ऐसे बोलेंगे, ये सैकड़े हो गए। ये ढाई हो गया और ये रुपया हो गया, 451 हो गया। ये सैकड़ा हो गया, चार पकड़ लिए तो 400 ना सैकड़ा हो गया। वो तो आवाज करें कि जो सैकड़ा जो ढाई ऐसा है। चार लिवाल खड़े होते हैं तो मतलब जो जिसका ऊंचा होता है उसकी आवाज लगती है अंगूठे के अंदर, बाद में खुला हो जाता है। हाँ, अंगूठा हट जाता है जो जिसका भाव। अभी बोली लगेगी किसी की? बोली नहीं लग रही है। 63 पैकेट वहाँ, चलिए दिखाइए चल के है। फिर आप आलू किसानों की समस्या भी सुनेंगे, पहले जरा बोली लगते देख लें। ये तो बड़ा यूनिक स्टाइल है, हाथ पकड़ पकड़ के। कहाँ पे लगेगी बोली? एक लगवा दीजिए भाई बोली है। कहाँ पे लगेगी सर? हमें बताइए, हम बात करेंगे आपसे। हम आपसे बात करेंगे, हम पहले बोली समझ लें कैसे लगती है बोली। हम बता रहे हैं आपको, बताओ है? हमारा आलू है। हाँ, 400 रुपया मंग रहा है। कितना? 400 रुपये। 400? हाँ, और मतलब वो है का ना, कुफराज आलू छट्टा। हाँ, कुफराज। किस्म है आलू की? है किस्म, आलू की किस्म है ये पकड़ा? हाँ हाँ, ये किस्म है आलू। हाँ, तो है इनको मतलब दिवाले नहीं कह रहे हैं कि वो कोई दलाली दुनियादारी सब कह रहे हैं। नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। बोली कैसे लगती है? बोली है बता रहे को कह रहा हूँ। बोली बता रहे हैं हाथ पकड़ के? आप तो बोल रहे हैं हाँ, तो हम चौ नहीं जानते व्यापारी की जमगुरियाँ कितनी है वो नहीं हम जानते हैं। अरे तो यही तो पूछ रहे हैं। ये व्यापारी से बुलवा दें, व्यापारी से बुलवाइए, ये आप पूछिए, ये यही तो पूछ रहे हैं। कहाँ लगेगी बोली अभी? अभी व्यापारी बुलाए ने बतावा। बुलाइए व्यापारी, एक बोली तो दिखाइए। अच्छा, आप सब लोग आलू किसान हैं? ये खड़े थे जब आप बता रहे हम लोग हैं। बहुत धंधा किसान है, व्यापारी है, किसान है, किसान है, किसान है। क्या रेट मिल रहा है इस बार आलू का? कोई रेट पता नहीं, जलेबी की ना जाए, कोई रेट पता नहीं, जो भाव बिक जाए। अभी क्या भाव चलते रहिए, इधर आइए, क्या भाव बिक रहा है? ये जो आलू है कौन सी किस्म है? ये पुखराज है? हाँ, जो ख्याति है, ये ख्याति है। हाँ। अच्छा, क्या खासियत होती है इसकी? इसमें ख्याति जो है जो थोड़ा सफेद हो क्रीम कलर। हाँ। और पुखराज थोड़ा पियरो हो, 97 सफेद हो।
अच्छा ये ख्याति है। हाँ। ये थोड़ा सा क्रीम कलर है, क्रीम कलर है। हाँ। इसमें पुखराज पड़ा है कोई यहाँ पे? नहीं, पुखराज ये कौन सा? ये सब ख्याति है, यहाँ पे फरुखाबाद में ख्याति ज्यादा होता है जी। नहीं, पुखराज, पुखराज ज्यादा। रेट में क्या फर्क रहता है ख्याति और पुखराज के? बराबर ये 10-20 रुपया ऊपर। क्या रेट चल रहा है अभी? अभी अभी चल रहा था कहना 400 रुपए लेके 450 क्विंटल। क्विंटल नहीं, पैकेट, पैकेट चल रहा था। पैकेट मतलब 52 किलो? कितना? 52-53 चल रहा है। मतलब 53 ऐसा है कि तुम्हारा कुछ काटो नहीं जी, अगर 52 है जितो कचरा निकलो वो तुम्हारा कम कर दो जी। अच्छा हाँ, ये रेट है। पिछले साल तो सुना है बड़ा अच्छा दाम मिला था, पिछले साल कितना दाम मिला था? कितना पिछली साल तो मेरे को कहना 1200 रुपए का पैकेट मिल चुका। 1500 से 1700 मतलब अगर क्विंटल का रेट करें तो 2600-2800 इसके इसके। अच्छा, इस बार रेट अच्छा नहीं है? रेट नहीं, कुछ अच्छा नहीं। क्या दिक्कत है आलू किसानों के? आप भी आलू किसान है? हाँ, आलू किसान। अरे इधर आके बताइए, माइक में बताइए चाचा, क्या नाम है? सभी दिक्कत ही है। नाम क्या है? नाम रघुवीर सिंह है। रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह। गांव कौन सा है? कंतला। कंतला विधानसभा कौन सी लगती है? विधानसभा कमालगंज। कमालगंज लगती है। बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत का साहब उसमें मिला कुछ है ही नहीं आलू। लागत कितनी आई आपकी? लागत आई है बहुत। आप जब बोरा लाऊते हैं तो 15 रुपया, ट्रैक्टर वाले लेते हैं और मतलब बार दाना 35-35 रुपये, और 17 रुपया कोल्ड वाले ले रहे हैं, और मतलब 30 रुपया को बार दाना, 35 को बार दाना, और फिर आलू क्या भराई विराई कुछ कुछ नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं? डीजल डीजल बहुत मद्दा है, बहुत सस्ता है। सही आपको बता रहे वायदा, क्योंकि मान लो 200 रुपया बीघा जुताई हुई रही, 200 रुपया बीघा जुताई हो रही, 200 रुपए बीघा जुताई हो रही। हाँ। 5 जुताई होएंगे आलू, 1000 हो गया, 1000 रुपए जुताई हो गई बीघा। हाँ। 2000 खाद, 2000 खाद, 3000 का आलू, 3000 की लेबर, 9000 हो गया, इतना हो गया, हो रहा 5000 का, और रेट मिल रहा है 5000, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा। और एक बीघा में कितना आलू होता है? 20 क्विंटल 25 क्विंटल। 20 क्विंटल 25 क्विंटल। हाँ, आप क्या करते हैं यहाँ पर? आलू बिक्री करते हैं। बिक्री करते हैं, जरा हमको ये बताइए वो हाथ पकड़ के गमछे का सिस्टम क्या होता है? देखिए ये गमछा है, ये मेरा हाथ है, ये हाथ आपका है। पकड़ लिया आपने? देखिए हम बताए हैं। हाँ, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है सर्वेश राजपूत। हाँ, ये कहते हैं जैसे कि किसी को 400 रुपए एक सौदा हुई, 401 हुई, ये कहते हैं सैकड़े। कितनी होंगी जे उंगरी? 4। तो सैकड़े मतलब 4, 4 हो गए, पड़ा रहने दो, ये हो गई, ये हो गई, और रुपए कह दिए हैं जे रुपए, तो एक हो गए 400 गए, उन्होंने की 451 हुए, तो एक बार ये कह दिए जे सैकड़े, जे ढाई और जे रुपए। और आप जे तो जानते हो ढाई कितने, 10 से कहते हैं, रुपए से कहते हैं सैकड़े। हाँ, नहीं जैसे सैकड़े ढाई रुपए 451। पकड़ ली, 4 उंगली पहले पकड़ी तो ये 4 सैकड़ा हो गया, और जो 5 पकड़ ली, 5 पकड़ ली तो ये ढाई हो गई, तो 50 450, और फिर एक पकड़ ली 451। तो ये ऊपर गमछा क्यों पड़ा रहता है ऐसे? 4 लोग खड़े हुए हैं, 4ों को समझ में आए कौन क्या मांग रहा है, वो हमारे अकेले समझ में आएगा। अच्छा, आप सबका रेट लोगे? हम सबका। और मान लो आप गड़बड़ कर दो तो? वो तो इंसानियत किसकी है। हाँ। हम कहते गड़बड़ करेंगे, अगर दूसरा नहीं कहेगा हमने 21 मांग दिया, वो 31 रुपए दे मांगा, बेचा 10 रुपए कम दिया। हाँ। तो दूसरा नहीं एकदम भूल पड़ेगा, जो ऊपर वाला होगा ओपन अभी होगा, चारों के सामने होगा, तुरंत ओपन हो जाए। इन्होंने इतना मांगा, अभी जो खरीदने आ रहे हैं वो बीज के लिए खरीदने आ रहे हैं? नहीं, सबके लिए, लोडिंग भी हो रही, बीज भी आ रहे हैं, सब काम हो रहा है। यहाँ के आलू वो जो चिप्स बनते हैं उसमें भी जाता है आलू? हाँ, जाते हैं। वो चिप्स कौन सी? चिप्सोना चिप्स में जाता है, हाईलैंड जाता है, वो उसका पाउडर बनता है। कौन सी किस्म चलती है मेन मेन? एक चिप्सोना हो गया, उसका क्या रेट मिलता है? चिप्सोना इस टाइम चल रहा है 600 रुपए से लेके 650 रुपए, मतलब उसका रेट थोड़ा ठीक है चिप्सोना का है। उसके बाद दूसरा 37-97 550-550। और पोखरा हाईलैंड 650 रुपए। हाईलैंड की क्या खासियत होती है? हाईलैंड बाहर जाता है, नेपाल वगैरह, पाकिस्तान वगैरह। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? वो वहाँ लोग मीट में ज्यादा डालते हैं, गोश्त में पड़ता है। हाँ, गोश्त में पड़ता है हाईलैंड आलू, गोश्त में पड़ता है, ये एक नई जानकारी मिल गई। हाँ, नहीं है? हाँ, और पुखराज? पुखराज है, ख्याति है, ये बहुत से आलू में खपत होता है। अरे आलू किसमें बहुत है, किसमें बहुत है, बहुत है, और रेट वेरी करता है 400 से 650 के बीच अभी चल रहा है। हाँ, अभी चल रहा है। सबसे ऊपर कितना रेट, सबसे ज्यादा पीक कब होता है रेट का? दशहरा के टाइम, दिवाली के टाइम? कोई पता नहीं, ये कोई आलू का कोई कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, ये कोई अंदाज नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। इस साल कितना रेट गया अभी तक ऊपर?
अब बड़ा आया, अब बढ़ना शुरू हो, रेट बढ़ रहा है तो अब किसान ले जा रहा होगा अपना आलू धीमे ले जा रहा है। अब ये ले जाके कहाँ मंडी में बेचेगा? नहीं नहीं, किसान यही बेचते हैं, व्यापारी लोग बाहर बेचते हैं। आड़ती यही आएगा, यहाँ से किसान से रेट लेगा और कोल्ड स्टोरेज से निकाल के बाहर भेज देगा। ये कटे हुए पड़े हुए किसान सिर्फ अपने बीज के लिए ले ये खरीदे हुए, अब ये अड़तिया सुखा के भेजेगा भेजेगा। किसान तो सिर्फ अपने बीज के लिए यहाँ से निकाल के ले जाएगा खेतों के लिए, बाकी अड़तिया यहीं से निकाल ले जाएगा, किसान से सुविधा यहीं हो जाती है। तो क्या मसले हैं किसानों के, आलू किसानों के बताइए भाई। क्या नाम है चाचा आपका? जगवीर सिंह। क्या मसला है किसानों का, क्या मांग है आपकी सरकार से? अरे सरकार से आलू भालू कोई बाहर भेजा जाए, थोड़ा टाइट हो जाए मंडी। बाहर भेजा जाए तो टाइट हो जाए और क्या। लेकिन आलू में किसी साल रेट बहुत ज़्यादा था, किसी साल बहुत कम। अब ये बाहर आर चला जाता होगा इसलिए रेट टाइट हो जाने, रेट टाइट हो जाए। बस यही एक मदद चाहिए कि सरकार एक्सपोर्ट करवाए। बिल्कुल एक्सपोर्ट करवाए। आप क्या करते हो भाई नेताजी? कुछ नहीं। अरे कुछ तो करते होगे, किसान हो? किसान हो। क्या नाम है? आशीष राजपूत। आशीष राजपूत जी। क्या है माहौल यहाँ पे? माहौल ठीक है, अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है, अच्छी बिक्री हो रही है। अच्छी बिक्री हो रही है। अब सीजन संभल गया है? अब सीजन संभल गया है, थोड़ा बहुत किसानों का मिल रहा है। आगरा में किसान मिले बोले पिछले साल आलू का अच्छा रेट मिला था, बहुत इस साल खराब है। इस साल खराब है लेकिन अब तब भी थोड़ा बोले अब तब भी थोड़ा एक दो मिलने लगा थोड़ा बहुत। अब रेट संभल गया रेट। सरकार डीजल पेट्रोल इतना टाइट क्यों करती जा रही है? हाँ रेट बहुत हाई फाई होते जा रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं डीजल पेट्रोल के? हाँ। तो आप जब नेता नेता आते हैं पूछते हो ये सवाल? नहीं नहीं नेता नहीं, आप पूछने आते हैं इसलिए हमने बताया। आप नहीं नहीं हमने तो समझ लिया मैं, उसमें होता क्या ना, जैसे चुनाव आ रहे हैं ये चुनाव में मुद्दा होगा डीजल या पेट्रोल का ज़्यादा रेट? बिल्कुल होगा। हाँ आप लोग भी किसान हैं? हैं क्या बीज लेने आए हैं कि क्या करने आए? अपना आलू छुटाने आए हैं कोल्ड पे। आलू छुटाने आए हो, कितना आलू जमा है तुम्हारा? 30 पैकेट। 30 पैकेट मतलब 30 बोरी। हाँ। कितना पैसा लगा तुम्हारा? 3510 रुपए भाड़ा लगा है। हाँ। और ले जाने का भाड़ा लगेगा। तो अभी कहाँ बेचोगे ले जाके? ले जाके बेचेंगे नहीं। अच्छा ये बीज के लिए निकाल रहे हो और जो बाकी आलू वो पहले ही बेच चुके हो? वो बेच चुके। वो कब बेचा? वो हमने यहाँ डाला ही नहीं था, मंडी में बेच दिया था 500 रुपए क्विंटल। तभी जब खोदा तभी बेच दिया। तो अभी ये आलू की फसल की बुवाई शुरू होगी। हाँ। अक्टूबर में जी। और इसको निकालोगे कब? फरवरी में? फरवरी में नहीं निकालेंगे, जनवरी में कच्ची खोद देंगे, 2 महीने बाद खोद देंगे, जनवरी में खोद देंगे। जनवरी में? और पक्की तो उधर मार्च तक खोदते हैं। मार्च तक खोदते हैं। हाँ। क्या गाँव कौन सा है तुम्हारा? विधानसभा कौन सी लगती है? भोजपुर। भोजपुर लगती है। तो गांव वहाँ में तुम्हारे कुछ काम वाम हुआ है? हाँ काम वाम तो वही रहो। क्या काम हो रहा है बताओ? इस टाइम तो प्रधान के जरिए से पंचायत घर में काम चल रहा है और हैंड पम्प वगैरह रिबोर हो गए और यही सब काम थोड़े बहुत चल रहे हैं भाई। और आपके गांव में नेताजी? हमारे गांव में यही चल रहा है, रिबोर हो रहे हैं जी। चलिए तो फिलहाल रेट संभला हुआ है, थोड़ा सा हम आपको आलू की वैरायटी खरीद का सिस्टम समझ गए है ना, और किसानों के कुछ मसले भी पता चल गए। अभी थोड़ा सा और पीक आएगा, क्यों फिरोज भाई? मैंने कहा अभी हैं जैसे दिवाली के टाइम पे थोड़ा और बढ़ेगा। दिवाली टाइम में आप लोग भी आलू किसान हैं? हाँ। तो कैसा अभी आलू की खेती में क्या नफा नुकसान है चाचा? सब एक दूसरे की तरफ इशारा करोगे, बोलोगे नहीं तो कोई नुकसान ही नुकसान है। क्या 1400 रुपया पैकेट खरीद के गाड़ा आलू, 1400 रुपया पैकेट खरीद के गाड़ा पिछले साल? हाँ पिछले साल। हाँ क्योंकि पिछले साल रेट बहुत ज्यादा था। हाँ तो वो पैकेट वो खरीद डाला गाड़ा है, 300 रुपए बिगड़ा, उसमें क्या बच रहा? कुछ नहीं, भर दाना भाड़ा लेबरी। पिछली बार चढ़ा था, इस बार उतना क्या ज्यादा ज्यादा लोगों ने बो दिया, क्या रहा वजह? वो तो नहीं दिया, पैदावार भी ज्यादा नहीं, काश्तकारों ने भंडार मतलब व्यापारी आलू कम है, काश्तकार ज्यादा है और बाहर मार्केट में इसकी डाउनिंग है। बाहर मार्केट में नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, पिछले साल गया था। अरे किसान आंदोलन चल रहा है इसमें और दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है किसान? दिक्कत क्या है, वो इसी में बिजी है सब, कोई बाहर आलू जा कहाँ रहा है? बाहर आलू जा, बाहर आलू जाएगा तो रेट अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? निर्यात होगा तो वही अच्छा होना, निर्यात होगा तो अच्छा ही होना, निर्यात होगा तो अच्छा। हाँ फर्का बात है, यहाँ पूरा तो आलू खा नहीं लेगा। हाँ। जब तक बाहर नहीं जाएगा, बहुत प्रांत है नहीं आलू हो रहा है वहाँ।
लेकिन वहाँ जा नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, भाड़े की दिक्कत है, डीजल महंगा, कुछ भाड़े की दिक्कत है, डीजल महंगा है तो भाड़े की दिक्कत, हाँ इसलिए नहीं जा पा रहा। एक दिक्कत डीजल की हो गई, एक बीज महंगा, और बीज सस्ता है, बीज महंगा मिला था ना पिछले साल, महंगा मिला था, इस साल तो सस्ता मिल रहा होगा, जब आलू का रेट ही नहीं, 450 है, 450, 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 450
या किसी के अच्छे नहीं है, ना पुखराज, ना हॉलैंड, ना चिप्सोना, किसी का कुछ किसी का नहीं। चिप्सोना क्या, वो भी 550-550 वो भी चल रहा है। इसमें भी सबसे अच्छा रेट किसका मिलता है इन सारे किस्मों में, चिप्सोना का कि हॉलैंड का? नहीं, हॉलैंड का सबसे अच्छा उसी का मिलता है। न्यू हॉलैंड, चिप्सोना और 97 एक बराबर है। तो आप लोग एक सीजन आलू करते हो, फिर दूसरे सीजन जैसे अभी आलू बो दो तो आप गेहूं नहीं करते हो मतलब? आप लोग नहीं, मक्का लगाते हैं। मक्का, हाँ, जब आलू खोद लोगे फिर मक्का लगाएंगे। करने के लिए गेहूं भी करते हैं और फिर बाद बाकी जमीन में मतलब मक्का है और मूंगफली है वो करते हैं। मूंगफली का क्या रेट मिल रहा है? मूंगफली का इस साल रेट मिला 54 से लेके 65 से लो। सरसों भी करते हो? नहीं, सरसों तो भाई सर्दियों का टाइम है तो जमीन की कमताई है इसलिए सरसों नहीं बोते हैं हम लोग। पानी आने के साधन ठीक है, सिंचाई के? पानी का साधन गंगा जी के किनारे? नहीं नहीं नहीं, इधर ही है पहाड़े। वाटर लेवल कितने लेवल उस पे है? वाटर लेवल है 95 फीट पे। 95 पे जी? अच्छा, वो जो गंगा जी वाला इलाका है वहाँ तो ठीक है वाटर, वहाँ ठीक है, इधर नहीं ठीक है। लेकिन वहाँ पे बाढ़ आती है, वहाँ दूसरी दिक्कत है। तो आप क्या ये बताइए, जैसे सरकार चल रही है अभी योगी आदित्यनाथ की 4.5 साल से, कुछ काम वाम हुआ है गाँव वाँव में? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रधान लोग काम कराते ही नहीं, प्रधान काम नहीं कराते ना। गलियों में पानी भरा हुआ है नाली का, कचड़े वाला। आप लोग टोकते नहीं क्या, एंटी पार्टी हो गया प्रधान की? ना, एंटी पार्टी बता रहे कि अभी रुपया नहीं निकला। पक्ष विपक्ष तो हर गांव में होता है, हर जगह होता है। हम तो पूछ रहे हैं प्रधान को, टोका नहीं कि नाली में पानी क्यों भरा, सफाई क्यों नहीं करवा रहे? कराएंगे वो काम, कराएंगे। और विधायक जी ने भी कुछ काम करवाया है, कुछ सरकारी काम हुआ है राज्य सरकार? विधायक जी ने कोई कुछ करवाया। कौन है विधायक आपका? मेजर सुनील दत्त। मेजर सुनील दत्त है भाजपा वाले? भाजपा वाले। कभी आए गाँव में वोट मांगने? आए तब से नहीं। कौन सा गांव है? चुरसाई। चुरसाई, हाँ जी। आपका क्या कहना है, किस पार्टी का जोर है आपके गांव में? अभी तो सभी का जोर है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। जैसे आप लोग इतनी वजहें बता दी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है आप पांचों लोगों से कि अभी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसके हिसाब से आप वोट डालोगे? सबसे बड़ा मुद्दा वो ये किसान, जैसे मतलब किसान का कर्जा माफ़ हो, किसान को कोई लाभ मिले, यही मुद्दा है। आगे मुद्दा रख भी कह सकते हैं, कर्जा इतना दे रखा, कुछ पूछो मत, महंगाई इतनी है डीजल पे इतनी महंगाई, जुताई बोरी दे पा रहे हैं। किसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कर दी, किसी चीज़ का निर्धारित मूल्य किया ही नहीं सरकार ने, और डी इतना महंगा डीजल पेट्रोल, काश्तकार के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। जी, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए इसके अलावा? डीजल और पेट्रोल का जी। ऐसा है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए की ही कहा है, क्या करा, कुछ नहीं। किसी गवर्नमेंट ने कुछ किया? हाँ जी, हम सबसे बड़ा मुद्दा है, गाय आए और डेली घूम रही हैं, इनसे बहुत नुकसान है। रात रात भर खेतों में लेटना पड़ता है, नहीं लेटेंगे सब पतले खा जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इससे ये भी है, एक डीजल, एक गाय। हाँ, आवारा गाय, आवारा गाय। हाँ, और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? क्या जोड़ें, कुछ नहीं। क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या, मुद्दा तो हर चीज़ महंगाई है, मतलब काश्तकार की जो चीज़ पैदा करता है वो चीज़ महंगी नहीं है। ये असल मुद्दा तो ये है, जो हम पैदा कर रहे हैं वो महंगा नहीं है। हाँ, महंगा नहीं है, आलू सस्ता बिक रहा है, हम आलू पैदा आलू गेहूँ मक्का धान सब सस्तो ही है। 15 रुपये में हम बीज लेके आते हैं, मक्का बिकती है मेरी 10-12 रुपये किलो, मक्का बीज 15 रुपये लगाते हैं, डीएपी 12 रुपये। अब इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाद की है, खाद नहीं मिल रही है। खाद नहीं मिल रही, डीएपी खाद नहीं मिल रही है। हाँ, आलू गड़े गए थे तो आपने वहाँ सरकारी उसमें शिकायत की कुछ? शिकायत का वहाँ तो लाम लगाओ गामे में तब फिर मिलती है। क्या करो, लाइन लगाइए गामे में, उसके बाद नंबर से मिलती है। नहीं तो नंबर से तो मिलती है ना, तो ये मत कहिए कि नहीं मिल रही है। नहीं मिलती है नंबर दे। अभी आपने कहा नहीं मिलती, अभी आप कह रहे, तो देखो सही बात कहोगे तो सही ढंग से पहुँचेगी। लेकिन हर जगह है नहीं वो खाद। हाँ, तो जो सही है वो बताओ, है ना। जो वैसे नहीं भी कृषि केंद्र वाले खोले थे उन पर खाद है ही नहीं, मिली नहीं रही खाद है नहीं।
एनपीके है उस समय पे, डीएपी नहीं है। डीएपी नहीं है, एनपीके है। डीएपी नहीं है, एनपीके है। आपका क्या मुद्दा है, क्या नाम है? मैं राजीव कुमार। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को देखना चाहिए भाई किसान की तरफ भी कुछ, और क्या, और क्या मुद्दा? हाँ क्या कह रहे हैं भैया? आलू थोड़ा बहुत बैरार भेजा, थोड़ा तो आलू में चमक आवा, नहीं महंगो बेचा है। अब है नहीं आलू बनो रहे, पैदावार ज़्यादा हो रही है, इतनी खिपत है ना ही है, थोड़ी दो चार गाड़ी बैरार जाए तो फिर तो थोड़ो आलू ने महंगो हो, थोड़ो गाड़ी बाहर जाए और क्या। चलिए ये फरुखाबाद आएँ और आप आलू किसानों से बात ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी सी रहती है। आपने आलू किसानों के विचार सुने, इन विचारों के बारे में आप अपने विचार बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉप।